नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से आ रही है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रांसफ़र पॉलिसी निकाली गई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। हमने उस पॉलिसी को पूरा डिटेल से डिस्कस किया था, तो आज मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी अभी एक लिंक वायरल हो रहा है जो कि ATD 2023 के लिए लिंक वायरल हो रहा है। उस लिंक पर आप कैसे जाएंगे, क्या वहाँ पे अभी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी आप जहाँ पे देख सकते हैं, इस समय हम ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी लिंक जो कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मे बी बड़ी जल्दी वो लिंक इस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लाइव हो जाएगा। जब भी लाइव होगा, आप अपने ट्रांसफ़र के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे। अभी जो लिंक है, मैं उसे आपको ओपन करके दिखाऊंगा कैसे आप उस लिंक के जरिए अपने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो फिलहाल आप जहां पे देख सकते हैं, इस समय हम ऑफिशियल पोर्टल पर हैं, लेकिन अभी तक जहां पे कोई भी ऐसा लिंक यहां पे फ्लैश नहीं हो रहा है। अभी हम बात करेंगे उस लिंक की जो कि एक व्हाट्सएप के थ्रू एक वायरल हो रहा है। जब भी लिंक डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट पे लाइव होगा, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो लिंक वायरल हो रहा है, मैंने उसे कॉपी कर लिया है, आप भी अपने फ़ोन में उसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप किसी ब्राउज़र में उस लिंक को ओपन करें। जैसे आप किसी ब्राउज़र में उस लिंक को ओपन करें, लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम इस पेज पे पहुंचेंगे जहां पे आप देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल। तो सबसे पहले जहां पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, नंबर वन इंस्ट्रक्शन क्या है, काइंडली अपलोड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो हर एक एम्प्लॉई को रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और आपने ये खास ख्याल रखना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका साइज 1 MB से लेस देन होना चाहिए। चाहे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, आपकी कोई भी ग्राउंड है ट्रांसफर के लिए, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लेम करेंगे उनका साइज 1 MB से लेस देन होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। नंबर टू जहाँ पे बोला गया है, नो एडिटिंग शैल बी परमिटेड वंस एप्लीकेशन इज फाइनली सबमिटेड। अगर आप एक लिंक के जरिए अपनी ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देते हैं, नेक्स्ट जहाँ पे बोला गया है कि एडिटिंग का कोई भी ऑप्शंस इन फ्यूचर उस एम्प्लॉई को नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपने अपनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले ध्यान से देख लेना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। नंबर थ्री इंस्ट्रक्शंस में आप जहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज़ यूज़ ईमेल मोबाइल नंबर एज रजिस्टर्ड अगेंस्ट CPS ID। आपने उसी ईमेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है जो कि आपके CPS ID से रजिस्टर्ड है। आप इसके बाद एग्री पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद जैसे हम इस पे एग्री पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पे आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप जहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हर एक एम्प्लॉई जो भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने जा रहा है, जो भी एलिजिबल है, तो सबसे पहले उस एम्प्लॉई को अपनी जहाँ पे CPS ID एंटर करनी है, वही ईमेल आपने जहाँ पे एंटर करनी है जो कि आपकी CPS ID से रजिस्टर्ड है। नंबर थ्री, वही मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है जो आपका CPS ID से रजिस्टर्ड है। इसके बाद दिया गया जो कैप्चा है वो आप इस बॉक्स में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सिंपली आपको जहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे एंटर किया गया कैप्चा भी एंटर कर लिया है, अब आपने जहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप देखेंगे आपको जहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फिलिंग शैल स्टार्ट 27th April 2023। तो अभी जो एप्लीकेशंस हैं वो कल से स्टार्ट होंगी, तो कल से मैं आपको पूरा क्लियर बता पाऊंगा कि लिंक डायरेक्टरेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक लाइव हुआ है कि नहीं हुआ है। टीचर्स की ट्रांसफ़र के लिए लिंक पहले आएगा, मास्टर की ट्रांसफ़र के लिए आएगा, जहाँ की लेक्चरर की ट्रांसफ़र के लिए पहले लिंक जो आएगा, सब चीज़ें मैं आपको कल ही क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह का कोई भी लिंक लाइव नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, फिलहाल अभी आप कोई भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कल तक का वेट करते हैं। जैसे लिंक लाइव होगा, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, कैसे आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।